back to Shweta as well and happy Ganesh Chaturthi to all. So guys, आज है गणेश चतुर्थी और मेरे ही बगल में आज पंडाल बन रहा है फॉर गणेश जी. एंड ऑफकोर्स ये इंडिया में बहुत से लोग आज के दिन व्रत रखते हैं और बहुत सी चीजें होती है. एंड यू नो गणेश चतुर्थी एक ऐसा फेस्टिवल, मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसा फेस्टिवल होता है कि ना लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है. बहुतों के घर में गणेश जी लाया भी जाता है. सो मेरे घर के बगल में है जो वो पंडाल बन रहा है, आप देख सकते हो पीछे. तो अभी जो स्टार्ट हुआ है बनना एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज यू नो मैं सोच रही थी मैं भी इसकी पार्ट बनूं और यू नो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूं. सो या मैं आप लोगों को हर एक चीज का अपडेट देती रहूंगी. एंड ऑफकोर्स अगेन अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. और अगर मेरी ये पूरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स की यू नो गणेश चतुर्थी की पूरी वीडियो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो. तो प्लीज डू दैट एंड लेट्स गेट विद मी टू ऑल दैट यू नो ब्यूटीफुल पंडाल की डेकोरेशन एंड ऑल. सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग पंडाल. तो हमने कुछ पंडाल स्टार्ट कर दिया था बनाना. हमने चेयर्स और यू नो चरपाई तो गणेश जी को उस पर मतलब सब एक तरीके से स्टेज बनाने के लिए हमने यूज़ कर रही है. और हमने पूरा पंडाल के लिए चेयर्स एंड यू नो क्योंकि बारिश का सीज़न है तो हमने इसलिए थोड़ा बोरी वोरी भी हमने रख रखी थी. और हमने पंडाल बनाना एक्चुअली स्टार्ट कर दिया था. सो वी वर डिस्कसिंग कि कब लाना है, कितने बजे लाना है गणेश जी को. एंड अब हमने अपना मतलब बेसिकली हमने स्टेज बनाना शुरू किया था. तो हमने धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट कर दिया था और सब कुछ हो गया था, स्टेज बन गया था, सब हो गया था. नाउ हमने अपना पूरा डेकोरेशंस जो हमारे पत्तों से यानी नो झालर वालर लगता है वो सब हमने स्टार्ट कर दिया था. अराउंड 4 or 5 हमने वो स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा यू नो मज़ा आ रहा था. बिकॉज़ ये सब काम में ना आपको खुद को इतना इंटरेस्ट आता है ना करने में कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है. यू फील लाइक कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. तो इस तरीके से हमने थोड़े से केले का जो पेड़ सा होता है ना उसके हमने एंट्रेंस पे उसको लगाया था. बिकॉज कहते हैं कि इसको शुभ माना जाता है. सो ऑफकोर्स उसको हमने लगाया था. ऊपर हमने आम के पत्ते की लड़ बनाई थी और ये हमने अपना गणेश जी को रख दिया है. गणेश जी का हमने मुंह आधा ढका हुआ है तो ऑफकोर्स वो पूजा के बाद ही ओपन होता है जब पूजा हम स्टार्ट करते हैं. और हमने चरपाई जो हमने रखी थी उसी के ऊपर हमने स्टेज बनाया है. उसको बिछा के उसके ऊपर कपड़ा लगा के फिर हमने गणेश जी को बिठा दिया. और अभी हमारी तैयारियाँ चल ही रही हैं. आप देख सकते हो पूरा बहुत अच्छे से, मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए. उस हिसाब से काफ़ी सोचा जा रहा है कैसे कैसे करेंगे और क्या करेंगे. तो वो अभी हमारी तैयारियाँ कम्प्लीटली चल रही है. गणेश जी को ला दिया गया है बट पूजा का जो टाइम है वो कुछ 7:30 के बाद है. तो ऑफकोर्स उसके बाद ही उनका मुँह हम लोग खोलेंगे. तो ये हमारी तैयारियाँ चल रही हैं एंड हेयर इज़ द फाइनल वर्जन. आप देख सकते हो चेयर सेटअप हो चुकी हैं, लाइट्स लग गई हैं, पंडित जी आ चुके हैं एंड पूजा स्टार्ट हो चुकी है. विच इज़ ऑफकोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ प्रसाद उशाद तो हमने रखा ही है. तो या दिस इज़ द वन. सो पूजा हमारी कंटिन्यूएशन में चली रही थी. अभी पंडित जी कुछ कर रहे थे और आप ये देख सकते हो एक छोटी सी बच्ची कितनी एक्साइटेड है और बैठी हुई है. बट आई थिंक उसके पेरेंट्स ने उसको बोला बेटा मास्क पहन लो, क्योंकि सी अगर आप कोई भी चीज़ करते हो सो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस तरीके से अभी सिचुएशन चल रही है मास्क पहनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कहीं भी जाओ आपको वेयर करना ही है. सो ये डेकोरेशन आप देख सकते हो, डेकोरेशन काफ़ी 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है. वैसे हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे पूजा के लिए, बट आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे हैं एंड नो काफ़ी आई थिंक सबके मन में जो श्रद्धा और भावना है वो दिख रही है.
तो हो गई और अब as usual लोगों का फोटो सेशन स्टार्ट हो गया है. लोग अपना नारियल तोड़ रहे हैं, लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं. सो ये हमारी पूरी डेकोरेशन थी जो हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत सक्सेसफुल फील हो रहा था. लोगों को पसंद आ रहा था, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे आने के बाद. लोग पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं. तो आपको इन लोगों को देख के खुद भी बहुत अच्छा फील होता है कि आपने अगर थोड़ी बहुत भी इन सब चीज़ों में हेल्प कर दी तो यू फील दैट पॉजिटिव वाइब्स. आई रियली होप आपको भी डेकोरेशन पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना. और सो गाइज दैट वाज ऑल. यही थी मेरी एक छोटी सी गणपति व्लॉग. आई रियली होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. और अगर पसंद आता है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. और मुझे लगता है कि गणपति जी का फोटो सेशन जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है और ना ये वीडियो. अगर कभी मैं अगर मैं चाहूँ तो बहुत लंबी बना सकती हूँ, बट नहीं, आई थिंक इतना ही काफ़ी था. सो आई रियली रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. और इसी के साथ आप सब लोग मिल के बोलो गणपति बप्पा Moria. See you again with me, Ganpati Bappa Moria. So thank you and see you soon with more amazing videos. Bye.